हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजा पोरस की मृत्यु के बारे में। दोस्तों, राजा पोरस की वीरता, शौर्यता और उनकी अखंड भारत की स्वप्न के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों राजा पोरस भारत के प्रथम रक्षक माने जाते थे और उन्होंने अलेक्जेंडर का भयंकर रूप से सामना किया तथा अलेक्जेंडर को 19 महीनों तक रोके रखा झेलम के किनारे ही। दोस्तों, राजा पोरस की मृत्यु को लेकर आज तक कोई भी स्पष्ट परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अनुमान माना जाता है उनकी मृत्यु के दो कारण से। दोस्तों, उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं राजा पोरस के बारे में। दोस्तों, अगर आप अभी प्रेजेंट में चल रहे राजा पोरस के सीरियल के बारे को देखते हैं तो उसके हिसाब से उसमें शायद तक पोरस की मृत्यु दिखाई जा सकती है या तो अंबिक कुमार द्वारा या फिर धनानंद द्वारा, क्योंकि अलेक्जेंडर द्वारा तो नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि अलेक्जेंडर के बारे में कई बार दिखाया जाता है कि राजा पोरस ने उनकी माँ को छोड़ दिया, उनकी अलेक्जेंडर की पत्नी को छोड़ दिया, जबकि वह उन्हें मार सकता था। ऐसे में अलेक्जेंडर तो पोरस को छोड़ देगा, लेकिन सीरियल में दिखाया जा सकता है कि उन्हें मारेगा या तो धनानंद या फिर अंबिक कुमार। तो दोस्तों, ये तो सीरियल देखने पर ही पता चलेगा, लेकिन रियल हिस्ट्री की बात करें तो रियल हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे बता जा सके कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा माना जा सकता है कि उनकी मृत्यु एक ग्रीक सेनापति यूटोमस नाम के व्यक्ति ने छुपकर वार करके राजा पोरस की हत्या कर दी थी। और कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि चाणक्य ने राजा पोरस को चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार में एक बाधा माना था और उस कारण राजा पोरस की हत्या चाणक्य ने ही कर दी थी। दोस्तों, ये बात मुझे भी काफी ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है कि चाणक्य ने राजा पोरस को ही प्रेरित किया था लड़ने के लिए अलेक्जेंडर के सामने यानी सिकंदर के सामने। तो दोस्तों, ऐसे में तो ये मान्यता थोड़ी सी अजीब ही लगती है सुनने में ही कि चाणक्य ने मरवाया होगा। और दूसरी पहली कारण की बात करें कि ग्रीक सैनिक यूटोमस ने उनकी हत्या की थी, तो ये तो फिर भी हम मान सकते हैं कि हाँ, कोई भी ग्रीक सैनिक कर सकता है पोरस की हत्या, क्योंकि अलेक्जेंडर ने उन्हें राज्य फिर से लौटा दिया था जबकि राजा पोरस हार गए थे अलेक्जेंडर से। तो दोस्तों, ये थे कुछ संभावित कारण राजा पोरस की मृत्यु के। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये मान्यता सही है या फिर नहीं, आप हमें कमेंट में जवाब दें। और आपको क्या लगता है कि सीरियल में कैसे दिखाई जाएगी राजा पोरस की मृत्यु, आप हमें कमेंट में जवाब दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।